सीमा हैदर के जितने बच्चे है ना उतना तो मेरा ध्योता है। लप्पू झप्पू के चक्कर में कतई नहीं आ रखी है तू। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए कहीं राखी की आड़ ले, कहीं तू झंडे की आड़ ले, कहीं तू गौ माता की आड़ ले, बांग्लादेश की बातें करेगी, भूटान की करेगी, कलकत्ता की करेगी। तू देश ने तेरे बाप के सामने एहसान किया था, तेरे माँ बाप अवेलेबल थे भारत में क्या? बेटा वो सच्चाई के देखता है, वो न्याय के देखता है, वो इंसानियत के देखता है। अपने जो तूने नकली खसम बना रखा उसी को बीच में बैठा ले। तब जाके पा तो खाने वो ना था, चार चार बालकन थे इसके पास, तो हर एक मुजरिम महिला राखी देने का काम कर रही है प्रधानमंत्री को, योगी को, मोदी को, कहाँ कहाँ दे रही है, मतलब राखियां देने का काम कर रही है। एक मुजरिम महिला जो राखी का शब्द नहीं जानती है, राखी का अर्थ नहीं जानती है कि उसका महत्व क्या है, वो किस पर्व में वो त्योहार मनाया जाता है, इसका अर्थ क्या है। तू अपने गुनाहों को छिपाने के लिए कहीं राखी की आड़ ले, कहीं तू झंडे की आड़ ले, कहीं तू गौ माता की आड़ ले। इतनी शातिर महिला है ये, जो बाहर पर्दे में दिखती है ना अंदर वो नहीं है, ये बहुत जालिम है। मैं हकीकत बता रही हूँ, बेशक मैं आपको हकीकत आज बता रही हूँ। लप्पू झप्पू के चक्कर में कतई नहीं आ रखी है ये, जो आप समझ गए मेरा इशारा किसके चक्कर में आ रखी है, उसको खाली फ्रंट पे लाया जा रहा है अपने को बदनामी से थोड़ा सा बदाव करने के लिए, और कुछ नहीं है। जहां इस कहानी ने शांत हो जाना, ये लुगाई जिसकी बनेगी उसी की बनेगी, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको जो है ना। अब बांग्लादेश की बातें करेगी, भूटान की करेगी, कलकत्ता की करेगी, तू खुद यहाँ की मुजरिम है भारत देश की, और बांग्लादेश पे पहुंच गई तू क्यों? भारत देश ने तेरे बाप के सामने एहसान किया था, तेरे माँ बाप अवेलेबल थे भारत में क्या? तेरे सामने एहसान किया भारत देश ने। देखो ना, छोटी मुंह और बड़ी बात, छोटी मुंह और बड़ी बात। तेरी जो औकात है ना उसमें रह तू, ठीक है नी, अपनी लिमिटेशन पे रह, जो तेरी जो तेरी लिमिट है उनको क्रॉस ना कर। इतनी खुंदक हमारे को आ रही है ना, कहाँ 15 अगस्त, कहाँ 26 जनवरी, हमारे तो दिमाग में यही घुसी पड़ी है। अरे मोमिन मलिक पे तो इल्जाम लगाएगा, मोमिन मलिक पे, वो सच्चाई का, वो सच्चाई के देखता है, वो न्याय के देखता है, वो इंसानियत के देखता है। तो मोमिन मलिक साहब पे तो इल्जाम लगाएगा, वो एक ऐसे कुर्सी पे बैठेगी उसे पैर से पैर छटा होना चाहिए। अब अरे बेशरम औरत, नालायक औरत, किसी बीच में किसी मर्दों को बैठा ले तब बैठ जा, वो अपने जो तूने नकली खसम बना रखा उसी को बीच में बैठा ले तब बैठ जा। नहीं, उसके घूटे से घूटा जब तक सटेगा उसका तब तक साली बैठती नहीं है बिल्कुल। अबे इधर को जगह है, कुर्सी नहीं खिसकाएगी, घूटे से उसका बॉडी टच होनी चाहिए उससे जो है, और वो भी उसके पूरा ब्लाउज से लेके हर चीज को देख रहा ना। सीमा हैदर के जितने बच्चे है ना उतना तो मेरा ध्योता है, सीमा हैदर के बच्चे के बराबर मेरा ध्योता है। तो हम एक मुजरिम महिला जो बांग्लादेश का नाम भी भारत में आके पता लगा, वो भी अब जब बांग्लादेश में दंगे हुए, जिस महिला को भारत में आके बांग्लादेश का नाम पता हुआ, वो भी दंगा वहां मतलब शुरू हो गया तब, जिस महिला को भारत में आके बांग्लादेश का नाम पता हुआ जुम्मे जुम्मे 15 दिन पहले, उस महिला से तुम बांग्लादेश की बातें पूछ रहे हो? जुम्मे जुम्मे जो महिला को यहाँ पे 15 दिन पहले पता लगा कि बांग्लादेश भी कोई देश है, वो कह रही जी भारत देश की एहसान है बांग्लादेश पे। क्यों भाई, तेरे बाप के सामने एहसान कर रहे थे भारत देश ने क्या? तेरे बापू बैठा था क्या? तेरी मेहतारी बैठी थी जब भारत देश उन पे एहसान कर रहा था? अबे नकल करने के लिए अक्ल चाहिए। तू जब बोलती है ना हम सब समझ जाते हैं कि तुझे 2 घंटा पहले ये शब्द किसने रटा रखे हैं। बताओ ना जरा, अगर इससे पूछा जाए ना वहाँ के मंत्री कौन है, मतलब वहाँ भी कितने पक्षे हैं, कितने पट्टे हैं, इसे ये नहीं पता होगा इसे ना कि वो भी 2 भागों में बटा है, वहाँ 2 भागों में बटा है, वहाँ कौन कौन सत्ता संभाल ले, इसे अगर पूछा जाए तो वो नहीं पता होगा इसे जो है ना। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जाग रहे तभी तो तेरे को भगा रहे बेवकूफ की पट्टी। जब हिंदू जाग रहा है ना तभी तेरे को भगा रहा है, मतलब खुद मुस्लिम है कह रही जागो हिंदू जागो। क्यों तू जाग जा, तू चली जा बांग्लादेश, जा तू बांग्लादेश, जरा चली जा वहां पे बांग्लादेश में चली जा, तू ही जरा वहां पे कर ले कुछ, जा हम मान जाए तुझे, तू रोड में जरा निकल जा बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ जो है बिल में बैठ बैठ के बकवास करती है, बातें वो कर रही है बिल के अंदर बैठ बैठ के साली जो है, हैं? अब क्या बोले भाई, बड़ी शर्म की बात है, धिक्कार है ऐसे पत्रकार पे, बार बार बोल रही धिक्कार है ऐसे पत्रकार पे जो उसके मुंह में माइक लगा लगा के वो पैर में ऐसे पैर के ऊपर पैर रख रही है, उधर से उसने पैर के ऊपर पैर रखा है, और ऐसे बिल्कुल बात कर रही है जैसे बहुत बड़े कहीं उसकी वो होगी,
कहीं जिसे बोलेंगे कि कोई मंत्री से कम नहीं जी, इस तरह से बातें कर रही जी तुम। अरे बेवकूफो, तुम उस मुस्लिम महिला से ये बातें पूछ रहे हो, तुम इस मुस्लिम महिला से ये पूछो कि तूने फर्जी आधार कार्ड भारत देश का कैसे बनाया, फर्जी आधार कार्ड बनाने तेरी हिम्मत कैसे हुई, फर्जी आधार कार्ड तूने कितने पैसे दिए, ये पूछो। पूछना है तो ना उस मुस्लिम महिला से, उस गुनहगार महिला से ये पूछो कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे भारत देश की फर्जी आधार कार्ड बनाने की, ये पूछो। पत्रकारों मरो, ये पूछो अगर पूछना है तो तुमने उससे कि तूने हमारे भारत देश का फर्जी आधार कार्ड कैसे बनाया, तो हमारे भारत देश में 2 महीने तक पहचान छुपा के कैसे रहे, तूने दिल्ली का निवासी अपने को कैसे बताया, ये पूछो। और तूने ये क्यों कहा कि मेरा वहां संपत्ति थी मैं बेच के आई, सारी संपत्ति गुलाम हैदर की थी, गुलाम हैदर की अपनी कमाई की थी, झूठती हो ना। पूछना है पत्रकारों, ये पूछो पाकिस्तानियों को क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क तो उसे पड़ेगा जिसकी लुगाई है ये, पाकिस्तानियों को क्या फर्क पड़ेगा, पाकिस्तानियों को क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तो उस बिचारियों को पड़ रहा है जिसकी लुगाई है ये। कह रहा सीमा, कह रहा है जो आज लप्पू कह रहा सीमा हैदर तो ना अपना ही पैसा लेके आई, किसी का कुछ लेके नहीं आई। जो भाई तू तो तब वीडियो में बोल रहा था जाके पा तो खाने को ना था, 4-4 बालकन थे इसके पास, तो क्यों भाई तू तो वीडियो में बोल रहा था इसके पास खाने को ना थे, तो फिर ये इतना ये वीजा इतना पासपोर्ट ये बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ गया। अरे इनकी झूठ तो इन्हीं की वीडियो में है, कह रहा ना ये तो सब अपना लेके आई, या को था वो काय को नुकसान करके नहीं आई, वाजी वाह काय को नुकसान करके नहीं आई। तू तो कह रहा था ये तो पाकिस्तान में थी, भूखों मर रही थी, 4 बालकन को भी पालना था, बड़ी भारी जिम्मेवारी थी इस पे, तो फिर ये तू तो कह रहा था ये अपना ही पैसा लेके आई, अपना ही सब कुछ करके आई, फिर कहां से आया इस पे पैसा।